के केईएम और जीएस मेडिकल कॉलेज की छत पर स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर के दिन कुछ ब्रिटिश स्टंटबाजों ने इस वीडियो को वायरल किया है और इसके साथ ही हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह स्टंटबाजी की जा रही थी उस समय छत पर एक सुरक्षा कर्मी भी मौजूद था, लेकिन उसने स्टंटबाजों को रोकने की कोशिश नहीं की। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन कर्ज माफी को अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं मानते और इसीलिए उन्होंने राजनेताओं से अपील की है कि चुनावी फायदों के लिए वे इस तरह के कदम ना उठाएं। सांप्रदायिक हिंसा पर अभिनेता नसरुद्दीन शाह की टिप्पणी पर बाबा रामदेव ने कहा कि वे देश के स्वाभिमान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि नसरुद्दीन शाह को आम आदमी के प्यार के चलते प्रसिद्धि मिली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस की नजर अब आगामी लोकसभा चुनावों पर है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अब अपनी जमावट शुरू कर दी है। प्रदेश में अब कांग्रेस के वे नेता भी सक्रिय होने वाले हैं जो अब तक सत्ता में नहीं थे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि टाइगर का संरक्षण हम जरूर करेंगे, टाइगर के नाखून और दांत अब गिर चुके हैं। इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार में दलालों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी के तबादलों में भी दलालों की अहम भूमिका रहती थी और इसके साथ ही अब कांग्रेस के सामने प्रशासन तंत्र को सुधारने की बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में खाद के बाद अब बिजली की किल्लत खड़ी हो सकती है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों को चलाने के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में अब प्रदेश में बिजली की किल्लत खड़ी होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में कई मुख्य विभागों के मंत्री रहे और उज्जैन उत्तर से वर्तमान विधायक पारस जैन ने कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करती हैं तो ऐसे में उनकी मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने वन विभाग के एसडीओ आरएन सक्सेना के यहाँ रविवार सुबह छापेमार कार्रवाई की। यह कार्रवाई एक साथ सक्सेना के 5 स्थानों पर की गई है। इंदौर स्थित गोंदवले धाम पर संत गोंदवलेकर जी की 105वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हरिहाट मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्त भक्ति और आध्यात्म रूपी सागर में डुबकी लगाते हुए नजर आए।